अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सिंस वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 14 ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम द टॉपिक लेंसेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंसेज बेसिकली होते क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट्स अ बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एक ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसकी दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, ऐसे रिफ्रैक्टिव मीडियम को हम लेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अ रिफ्रैक्टिव मीडियम विच हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। और वी कैन से दैट अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इन अ रेगुलर वे। ओके, दीज आर बाउंडेड बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। There are two types of lenses. Okay, number one is converging lens, that is convex lens, and the second is diverging lens. Basically, this is concave lens. यहाँ अगर आप देखें तो आपको आपके सामने दो lenses हैं, एक convex lens है और दूसरा concave lens है, ठीक है। इन lenses की further types भी होती हैं, convex lenses की भी काफ़ी सारी types होती हैं और इसी तरह concave lenses की भी काफ़ी सारी types होती हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर वन लाइक डबल कन्वेक्स लेंस, प्लानो कन्वेक्स, कन्वेक्स मेनिस्कस एंड कॉनकेव लेंस में आप देखें तो इसकी भी टाइप्स हैं, डबल कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है। अब हम कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ आप देखें, ऐसा लेंस जो अपने सेंट्रल पॉइंट से क्या हो, थिक हो और अपनी एजेस से थिन हो, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपने सेंट्रल पॉइंट से थिक है और अपने एजेस से क्या है, थिन है। और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि बेसिकली दिस इज़ क्या होता है, ठीक है। कॉन्वर्ज करता है, जब भी पैरेलल रेज आती हैं किसी भी लाइट से, तो रे, लाइट रे बेसिकली इट्स ए टाइप ऑफ रे। जब भी कोई रे आती है पैरेलल लेंस से टकराती है और उसके बाद रे सारी कहाँ जमा हो जाती हैं, एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ सारी रेज आके क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कि आप कॉनकेव लेंस को देखें तो ये सेंटर से थिन और एजेस से थिक है। और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है और लेंस से टकराती है तो इसकी रेज जो निकलती हैं लेंस से टकराने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, बेंड होने के बाद, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, कॉन्वर्ज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डू यू थिंक दीज लेंसेज आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ? यस, अ लॉट, इन कैमराज, इन माइक्रोस्कोप्स, पेयर ऑफ ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास, व्यू मिरर्स, कार हेडलाइट्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन, इन सब में ये लेंसेज यूज होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज़ थिकर एट द सेंटर और थिनर एट द एजेस, बट इसी के वाइस वर्सा है कॉनकेव लेंस। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग लेंस। क्यों? जो लेंस तमाम रेस को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट पर, एक ही फोकस पर, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। जबकि लाइट जो लेंस लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस। इन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज मीट एट वन पॉइंट, एंड इन कॉनकेव लेंस
after refraction light rays moves away from one another. Okay, convex lens में focal length और image distance दोनों क्या होते हैं? Positive होते हैं. अब focal length क्या होती है? Focal length क्या ये होती है कि जब लेंस से लेकर प्रिंसिपल फोकस, मतलब जो लेंस का सेंटर ओ है उससे लेकर एफ पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ. ठीक है, और जो डिस्टेंस लेंस से लेकर इमेज तक होता है उसको क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस. ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. जबकि कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हो रहे हैं. कॉन्वेक्स लेंस की अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है. देखें लेंस का काम क्या होता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना. क्या करवाना? बेंड करवाना, रिफ्रैक्ट करवाना. यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी रेज क्या हो रही हैं? एक जगह पर जमा हो रही हैं. वो पॉइंट रेड कलर का मार्क किया है मैंने, एफ है. प्रिंसिपल फोकस पर सारी क्या हो रही हैं? जमा हो रही हैं, कॉन्वर्ज. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. जबकि अगर आप इस दूसरी इमेज में देखते हैं जो कि किसकी है, कॉनकेव लेंस की इमेज है, इसको ज़रा अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा लेंस से जो रेस रिफ्रैक्ट हो रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहीं आकर कॉन्वर्ज नहीं हो रही. किस कहीं पर भी आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस नहीं नज़र आ रहा लेंस के बाद. जब लाइट रेज यहाँ पर आकर जमा ही नहीं हो रही तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कैसे फॉर्म होगा? हाँ बच्चों, कैसे फॉर्म होगा? यहाँ कॉनकेव लेंस में रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद, या हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी होती हैं, रिफ्लेक्ट. ठीक है, तो जो लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो बैक साइड रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं वो पार्टिकल्स? जो पार्टिकल्स यहाँ टकराने के बाद, इस लेंस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं अपने रिफ्लेक्शन से. और उनसे बैक साइड पर बैक रिफ्लेक्शन से, ठीक है, क्या हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है. मींस कि यहाँ रिफ्रैक्शन से नहीं बल्कि रिफ्लेक्शन से प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या कर रहा है? फॉर्म हो रहा है. और ये लेंस के बाद नहीं, लेंस से पहले ही प्रिंसिपल फोकस बन रहा है. तो इमेज भी क्या होगी? लेंस से पहले ही होगी. तो इस वजह से इसका क्या है? फोकल लेंथ और इमेज लेंथ दोनों क्या हैं? नेगेटिव है. आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ नेगेटिव फोकल लेंथ क्यों है और यहाँ नेगेटिव लेंथ क्यों है और वहाँ पर पॉजिटिव फोकल लेंथ क्यों है. चलिए आप थोड़ी सी इमेज पर बात कर सकते हैं कि इन लेंसेज के रिफ्रैक्शन के बाद कैसी इमेजेस फॉर्म होंगी. ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होती है? नॉर्मली वर्चुअल इमेज होती है. अब उसकी रियल क्यों है और इसकी वर्चुअल क्यों है? वो इस वजह से है, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज इसलिए बन रही है क्योंकि इमेज लेंस से पहले बन रही है. क्या हो रही है? पहले बन रही है इमेज. और दूसरा, प्रिंसिपल फोकस से भी, वो भी क्या है? प्रिंसिपल फोकस भी क्या है? पहले है. तो ये दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. तो हम यहाँ पर आइडियली कंडीशन देकर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इमेज फॉर्म करवा रहे हैं. इमेज खुद ब खुद नहीं बन रही, तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये वर्चुअल इमेज है और दूसरी रियल इमेज है. आई होप आपको दोनों कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ ही गया होगा. आई होप सो. सो इसको अच्छे से रीड आउट करें और इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर. ओके, लव फेस. थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ गुड डे.